नमस्कार। 12 राशियों पर बुध का राशि परिवर्तन क्या बहुत सुंदर फल देगा और किस किस राशि को क्या इसका इफेक्ट होगा, शुरू करते हैं। जब महाभद्र योग बनता है तो बुध उच्च राशि में होता है। बहुत अच्छी पोजीशन बुध की मानी गई है। इस संसार के अंदर पंच महापुरुष योग होते हैं। पांच योग ऐसे हैं जो मनुष्य को महापुरुष बनाते हैं। भगवान राम की कुंडली में ये ग्रह और भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में ये ग्रह विद्यमान थे। तो बुध जब सृष्टि के अंदर एक मास के लिए भद्र योग बनाता है तो सभी 12 राशियों को एकदम अचंभित करता है, आश्चर्यजनक फल देता है। और इसके अलावा मिथुन और कन्या राशि, ये दो राशियों के लिए तो बहुत ही अच्छे चौंकाने वाले परिणाम देता है। जो कन्या राशि वाला जो अपेक्षा नहीं कर पाता, और मिथुन राशि वाला खासतौर से। लेकिन इसके अलावा जो और 12 राशियां हैं, इंक्लूडिंग मिथुन और कन्या, इनके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे बुध के इफेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि जब ये उच्च राशि में होगा, बुध कलाकारी का प्रतीक है, अच्छी वाक शक्ति, अच्छा रहन सहन, अच्छी वाणी, अच्छी ज्ञान, आभूषण, वाक शक्ति और अच्छा व्यवसाय चलाने की विद्या, बहुत अच्छा जादूगर, बहुत अच्छी कलम, अच्छा चिकित्सक, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा कानून विशेषज्ञ, जितने जज, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक, केमिकल का काम करने वाले, तथा अब आप ये देखिए सारे फील्ड को कवर कर लिया है, अकाउंट का काम, IAS, PCS तथा अनेक बड़े बड़े अधिकारी हों, स्टूडेंट हों, इंजीनियर हों, सब दृष्टि से बुध उच्च राशि में जब आया है, सबको अपार धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विवेक सब देगा। इस सृष्टि के अंदर आप ये देखिए, जब बुध कमजोर होता है तो उस समय ज्ञान का प्रचार और प्रसार सृष्टि में नहीं होता। बृहस्पति जब कमजोर होता है या नीच राशि में होता है या शत्रु राशि में होता है तो उस देश में उस साल मांगलिक कार्य नहीं होते। शनि जब खराब स्थिति में होता है तो अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बुध की। जब बुध का उच्च राशि में होना 12 की 12 राशियों के लिए तो है ही, इसके अलावा देश के जितने भी प्रतिष्ठान, वैज्ञानिक प्रतिष्ठान और भी अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देने वाला यह भद्र योग 18 दिन रहेगा। ऐसे अच्छे जो योग हैं वो परमानेंट बहुत दिन तक नहीं रहते क्योंकि सुख देने वाले हैं, सुख बड़ा सीमित होता है, आया और देकर चला जाता है। अभी 3 अक्टूबर तक जो सूर्य और मंगल कन्या राशि को पीड़ा दे रहे थे या धनु राशि को पीड़ा दे रहे थे, आज वो कन्या राशि चमकती हुई, निखरती हुई नजर इसलिए आ रही है क्योंकि उसका स्वामी, उसका मालिक उस राशि को सुरक्षित करने के लिए आया है। और कितनी राशियों को प्रभावित करेगा देखिए, मेष राशि के लिए पराक्रम बढ़ाएगा, उसके शत्रुओं को नष्ट करेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक बढ़ाएगा। वृष राशि के लिए ज्ञान बुद्धि विवेक संतान धन लाभ, मिथुन राशि के लिए नाना प्रकार के सुख सुविधाएं, अच्छे वस्त्र आभूषण, घर में खुशियां, घर में अच्छे अच्छे उपहार आएंगे, अच्छे सामान खरीद कर लाएंगे। कर्क राशि के लिए एकदम अच्छा, भाई बहनों के लिए शुभ, भाग्य में वृद्धि, और सिंह राशि के लिए अपार धन का लाभ, और सिंह राशि वाले जो मुंह से बोलेंगे वही होगा, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। अब कन्या राशि जिसकी चारों तरफ ये सारी बुध की गरिमा, बुध की ओरा,
बुद्ध की जो प्रकाश देने वाली जो भद्र योग की महिमा है वो अपार खुशी देगी कन्या राशि के लिए, और भी खुशी तुला राशि को इसलिए होगी द्वादश जब बुध आता है तो आपको अच्छी सलाह देने वाले लोग मिलते हैं, विद्वानों से समागम होता है। शास्त्र कहता है जब द्वादश भाव में बुध जिसके नहीं होता उसके घर में विद्वान नहीं आते। आपका भाग्य चमकेगा और बाहरी जिन लोगों का व्यवसाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट का विदेशों से चल रहा है तुला राशि वालों का वो बहुत तेजी पकड़ेगा, आपको अचंभित करने वाले परिणाम देगा, आपके भाग्य को एक दिन में पलटने वाला फैसला हो सकता है। वृश्चिक राशि के लिए तो आप ये समझिए कि धन और समृद्धि की अपार संभावनाएं बनाने वाला यह भद्र योग वृश्चिक को बहुत सुख और लाभ सम्मान देगा। धनु के लिए नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा जिस कार्य में हाथ डालोगे आप वही सफल होगा, आपके पिता माता संरक्षक बड़े लोग आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, बरसात होगी कृपा की आपके ऊपर। ऐसी स्थिति में धनु राशि के लिए जब पितृ पक्ष चल रहा हो तो पितरों की कृपा का कृपा पात्र बनता है, क्योंकि भद्र योग बनता है और जो पितरों की कृपा दशम भाव में ये इंगित करती है, इस बात का इंडिकेशन देती है पितरों की कृपा इनके ऊपर सबसे अधिक होगी। मकर के लिए भाग्य स्थान को चमकाने वाला चौंकाने वाले परिणाम मान सम्मान प्रतिष्ठा तथा जो काम नहीं बन रहे थे टेलीफोन पर ही बन जाएंगे, ये स्थिति आएगी आपकी 4 अक्टूबर से लगातार शुभ। और कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा कष्टकारक सूर्य और मंगल चल रहा है लेकिन बुध आते ही आपको सुरक्षा के दायरे में ले लिया। जिस प्रकार वीआईपी को कमांडो घेर कर चलते हैं ठीक इसी प्रकार कुंभ राशि की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा चक्र देने के लिए बुध भद्र योग बना करके मृत्यु स्थान में जब आया है तो आपको हर प्रकार से भयमुक्त करता है। मीन राशि के लिए आपके जो पार्टनर हैं जीवन साथी आपका मेल जोल जिन लोगों से है उनका भी कल्याण करने वाला ग्रह आपको तरक्की देने वाला होगा। बुध की जो क्वालिटी है वो ये है कि मीन राशि के लिए अच्छा फल इसलिए देता है क्योंकि मीन का जो चतुर्थ भाव है तथा सप्तम भाव ये दोनों केंद्र के स्वामी हैं और इन पर जब बुध अपनी कृपा बरसाएगा यानी कि चतुर्थेश भी उच्च में भद्र योग बना रहा है तो ऐसी स्थिति में मीन राशि के लिए जो नुकसान देने वाले ग्रह हैं वो भी आपको आप अच्छा फल देना शुरू करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो विवाद परेशानी तनाव है उसको भी समाप्त करेंगे। तो ये 12 राशियों का जो फल मैंने बताया है ये भद्र योग के कारण है। तो इस भद्र योग के कारण अगले 18 दिनों में इन राशियों को ये लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।